स्टेशन के आरा मशीन के व्यापारियों के मन का दर्द आज दिल्ली के हम लोग इस जंतर मंतर पे रखने आए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखने आए हैं। ये दर्द हर किसी का है, यहाँ बैठे हुए हर आदमी का है। तो साथियों, एक बार हाथ खड़ा करके साथ में आप लोग कह दीजिए कि ये हम लोगों के मन में दर्द है या नहीं, और जितना दर्द हो उतनी तेज आवाज लगाइएगा, वन विभाग मुर्दाबाद, वन विभाग, वन विभाग, वन विभाग, वन विभाग। मोदी जी न्याय करो, मोदी जी न्याय करो, मोदी जी न्याय करो, मोदी जी न्याय करो, मोदी जी न्याय करो। फिर नारा मशीन व्यापारियों को लाइसेंस दो। साथियों, उत्तर प्रदेश से हम लोग यहाँ चल के आए, यहाँ न्याय मांगने आए, अपने प्रधानमंत्री जी से न्याय मांगने आए हैं। जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमारे उत्तर प्रदेश के भ्रष्ट विभाग में भी सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। और शायद उत्तर प्रदेश में वन विभाग नहीं, कई ऐसे विभाग होंगे जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है, क्योंकि अधिकारियों को भ्रष्टाचार की आदत पड़ गई है और उनके भ्रष्टाचार की देन है कि आज हम आप यहां पर बैठे हैं, धरना दे रहे हैं। और ये पहला धरना जो दिल्ली में शुरू हुआ है, 50 धरने लखनऊ में हम लोग देख करके आए हैं। और इसके बाद हम लोगों की घोषणा है कि अगर यहां से भी न्याय नहीं मिला साथियों, तो कसम खा लीजिए कि मार्च में लखनऊ में जीपीओ पार्क में हम लोग अनिश्चितकालीन आमरण अनशन करेंगे। या तो हमारा शरीर वहां से जाएगा, या तो लाइसेंस लेकर के अधिकारी और वहां का मंत्री हमारे पास आएगा, वरना हम लोग उठेंगे नहीं। मनीष त्रिवेदी की जिंदाबाद मत लगाइए, जिंदाबाद हम लोगों को लगानी है उसकी, जो हम लोगों का दर्द को दूर करे। अब वो दर्द दूर करने के लिए जिस डॉक्टर के पास हम लोग आए हैं, उस डॉक्टर का नाम है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार भाजपा की है, 2017 में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वीके बंसल जी मैं आपको भी बताना चाहूंगा, 2017 में जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, पूर्ण बहुमत से बनी, हम लोगों ने भी समर्थन दिया मोदी जी के, हम लोगों ने देखते हुए हम लोगों ने वहां पे सरकार बनवाई, हम लोगों ने भी वोट दिया। उसके बाद 2017 में जैसे ही सरकार बनी, मार्च में सरकार बनी, और अप्रैल में पूरे प्रदेश की 877 आरा मशीनों को उखाड़ करके फेंक दिया गया। उनमें से हो सकता है कुछ आरा मशीनें जंगल में लगी हो सकता है कुछ कटिया लगा के चल रही हो, मगर उसमें ऐसे भी लोग थे जो पुश्तैनी थे। 1978 में जब वन विभाग की स्थापना हुई, उससे पहले के थे, उसके बाद के थे, 2017 से पहले के थे, वो टैक्स दे रहे थे, वो टैक्स पेयर थे, वो लकड़ी का अगर बेचते थे तो टैक्स दे करके काम करते थे, हमारे मेरठ के साथ ही सप्लाई करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, और उसका लाइसेंस भी उनके पास था, टैक्स भी दे रहे थे। अचानक एक आफत हम लोगों के ऊपर टूट पड़ी और हम लोगों का रोजगार जो चल रहा था, हम लोगों का जो परिवार हंसी खुशी चल रहा था, वो एकाएक मातम में बदल गया, हम लोग बेरोजगार जैसे हो गए। आज हम लोग जो व्यापार कर ही कहाँ पा रहे हैं, ये बेरोजगारी भरा तो जीवन है, और ये किसने दिया हमें? उन भ्रष्ट अधिकारियों ने नई सरकार को कान भरने का काम किया। हालांकि हम लोगों ने 2 साल पहले जब संघर्ष शुरू किया, उसके बाद में राज्य सरकार को हम लोगों ने मजबूर किया और ई लॉटरी के माध्यम से पुश्तैनी आरा मशीन, पुराने आरा मशीन व्यापारियों के हित के लिए एक नीति बनी। उस नीति में हमें और आपको लाइसेंस मिलना था, मगर अधिकारियों ने वहां पे भी कुंडली मार दी, और कुंडली मार के उन्होंने किया क्या, उन्होंने अपने रिश्तेदार नातेदार को दिया, जिनके पास पहले से लाइसेंस था, व्यापार कर रहे थे, उनको दिया, और साथ ही साथ एक एक घर में दो दो तीन तीन लाइसेंस देने का काम किया। एक घर में एक अगर आरा मशीन का लाइसेंस है तो वो व्यापार करके अपना रोजी रोटी चला के अपने परिवार को पाल सकता है। क्या जरूरत थी कि एक घर में आपने 2, 3, 4 लाइसेंस दे दिए? आपने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को पार कर दिया, बेरोजगार जो आपने 2 साल पहले बनाया था उसकी एक उम्मीद जो जागी, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने उम्मीद जगाई हमारी, उस उम्मीद को खत्म करने का काम किया और हमारी परेशानी को बढ़ाने का काम किया। इस परेशानी के खिलाफ हमें दिल्ली में जो आज पहली बार आज उत्तर प्रदेश लेबर एसोसिएशन के बैनर तले हम लोग आए हैं, हम लोग बार बार आएंगे जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिल जाएगा। और उससे पहले जो मैंने कहा, मार्च में हम लोगों को आमरण अनशन पे भी बैठना होगा, चाहे प्राण निकल जाएं,
मगर न्याय लेकर के रहेंगे, मानेंगे नहीं।